छाता शुगर मिल शुरू कराए जाने को लेकर कुंवर नरेंद्र सिंह ने छाता के डाक बंगला पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिससे कि छाता क्षेत्र के किसान खुशहाल हों और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस दौरान हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि छाता विधानसभा से विधायक और वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री बनाया गया है, इसी की छाता क्षेत्र को दरकार थी। अब छाता क्षेत्र की जनता को चौधरी लक्ष्मी नारायण से उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो शुगर मिल को चालू करा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आज तक किसान संघर्ष करते आए हैं। और साहब आप बताइए, आज आप यहाँ पत्रकारों को आपने बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के जो विधायक चुने गए माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको जनता की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लगातार दूसरी बार, नहीं तो यहाँ एक पारी होती है, लेकिन ये पहली बार हुआ ऐसा कि किशोर श्याम जी तो हुए थे लगातार दो बार, लेकिन उनके बाद ये काफ़ी अंतराल के बाद ये दोबारा चुने गए, तो उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। और लेकिन शुभकामनाएं डबल हो गई हैं, इसलिए कि उनको वही विभाग मिला है जिसका कि यहाँ वर्षों से एक छाता शुगर मिल का जो कार्यक्रम है वो बहुत दिनों से पेंडिंग है। और मैं इसे दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ कि इन्हीं के कार्यकाल में, जब ये पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, बहन मायावती जी की सरकार थी, तो उसमें भी ये मंत्री थे, शायद उद्यान या कृषि मंत्री थे, तो इन्हीं के कार्यकाल में ये बंद भी हुई थी, तो इनको उस बात का अपयश भी जाता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, योगी जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने इसी विभाग का इनको मंत्री चीनी मिल और गन्ने का बना दिया। तो चूंकि पश्चिम हमारा क्षेत्र जो है वो गन्ना उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है और अभी भी शायद 12,000 करोड़ रुपया करीब करीब किसानों का देनदारी है। मैं चूंकि कैराना चुनाव में उधर रहा था तो वहाँ करीब 17-18 मील हैं, तो उनका बहुत भारी उत्पादन होता है जिसकी की बकायेदारी पिछली बार सरकार ने की, लेकिन अभी भी बकायेदारी है। तो अब हमारे यहाँ तो एक यही क्षेत्र है जहाँ पर कि ये शुगर मिल है, बाबू तेजपाल सिंह थे खटावटे के, उनके कार्यकाल में लगाई गई थी। यहाँ उद्योग तो कई हैं लेकिन ताट टोपोजियम की वजह से काफ़ी कुछ बंद भी पड़े हैं, इसलिए छाता शुगर मिल में कई हमारी यहाँ की नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उससे साथ साथ क्षेत्र का उत्पादन भी बढ़ेगा। और मैं मुझे एक जानकारी मिली है कि धान, वैसे तो 3 फसलें होती हैं तो किसान की आय तो बढ़ ही रही है, लेकिन हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो रही है, उर्वरक शक्ति जब घट जाएगी 20-25 साल बाद तो फसल उपजाऊ नहीं रहेगी, जमीन हमारी उपजाऊ नहीं, तो इसलिए गन्ना पैदा करने से जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी, फर्टिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि किसान की आय भी बढ़ेगी। और फिर हमारे मवेशियों को आजकल आप देख रहे हैं, छुट्टा मवेशी दिन रात घूमता रहता है, भूखे मर रहे हैं मवेशी, गौशालाएँ खोली गई हैं, उनमें अनाज भी नहीं है, भूसा भी नहीं है खाने का, तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से कि हमारा आजकल जानवर जो है भूखा भटक रहा है, तो उसको गन्ने की हरा चारा भी मिलेगा, तो आम के आम और गुठली के दाम, और उसके जो बाय प्रोडक्ट हैं, शीरा है उसको पहले बहा दिया जाता था, और जो बाय प्रोडक्ट है उससे हमारी शराब में भी काम आएगा। और अब तो चूंकि एडवांसमेंट बहुत हो गया, ये मिल तो एक जमाने मैनुअल काम करती थी, अब तो डिजिटल का जमाना है, मेक इन इंडिया में डिजिटल का जमाना है, तो डिजिटल इंडिया की वजह से एक नई ये फैक्ट्री लगेगी। और कई बार केंद्रीय और प्रांतीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री भी पिछली बार अभी तरौली स्वामी बाबा पे आए थे, तो वहाँ भी उन्होंने घोषणा की थी कि हमने इसका प्रावधान कर दिया है बजट में, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गई है इसलिए हम अभी कुछ देने में असमर्थ हैं, तो चुनाव बाद तो चुनाव भी खत्म हो गए, तो अगर धनराशि आवंटित हो गई तो कुछ दिखना चाहिए। तो माननीय मंत्री जी आए भी हैं, उन्होंने यहाँ मीटिंगें भी ली हैं, प्रेस से भी मिले हैं, अधिकारियों से मिले हैं, लेकिन स्पेसिफिक छाता की बात नहीं की है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो उनके ऊपर पूरे प्रदेश का भार है, लेकिन ऐसा है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, मतलब एक कहावत है कि घर की चीज़ से ही शुरुआत होती है, तो उसमें फिर भार भी दिखता है कि हो रहा है। तो मेरी उनको सलाह भी है और शुभकामनाओं के साथ साथ कि प्राथमिकता के आधार पर इसको चुनाव से जोड़ के मिल को न देखें कि साहब ये 22 का चुनाव था, इसमें घोषणा कर गए तो आप जीत गए, फिर आप 24 का आ जाएगा तो जीत गए, फिर उसके बाद 27 का आ जाएगा, तो इसको चुनाव से जोड़ के ना क्षेत्र के हिसाब से देखें, क्योंकि यहाँ की बेरोजगारी की भी दूर होगी और हमारा उत्पादन शक्ति भी बढ़ेगी और किसानों को यहाँ से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक जैसे छाता शुगर मिल लेकिन माट में भी, चूँकि देखिए माट में हमारे यहाँ कोई भी उद्योग नहीं है, यहाँ तो अभी गिन्नी है,
आपके वैकमेट है, पशुपति थी हालांकि बंद हो गई, शाम कैन बंद हो गई, कई उद्योग बंद भी हो गए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ माट में भी कोई ऐसा क्षेत्र में उद्योग नहीं है। वहाँ मीठे पानी है, गंग नहर का पानी है, यहाँ तो पानी की थोड़ी समस्या है क्योंकि अपर कैनाल आगरा का, लोअर कैनाल का पानी आता है, उसमें थोड़ा खिंचाव होता है, लेकिन फिर भी वहाँ गंग नहर के पानी की वजह से मीठा पानी बहुत मिलता है। तो वहाँ भी अगर एक शुगर मिल लग जाए तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए वहाँ पर बच्चों को मैं देखता हूँ, मेरा संपर्क है वहाँ लोगों से, तो या तो नोएडा जाते हैं नौकरी के लिए, या ग्रेटर नोएडा, या गाजियाबाद, या दिल्ली, ऐसे साहिबाबाद, इधर उधर बेचारे रोजगार के लिए भटकते रहते हैं रोजगार। तो वहाँ एक उद्योग अगर लग जाएगा तो वहाँ के भी क्षेत्रीय विधायक नौजवान हुए हैं, मैं उनसे भी मिलूंगा, कहूँगा कि वो भी प्रयास करें, एक मिल उधर भी लग जाए, तो मैं समझता हूँ यहाँ की प्रगति होगी और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हमारी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा दोनों ही, क्योंकि जनपद में इस वक्त औद्योगिकरण नहीं है। तार ट्रोपोजियम की वजह से जितने भी उद्योग थे 80 किलोमीटर के डाय में, वो करीब करीब खत्म हो गए। अब आपने देखा वो भट्टे भी सब शरीर के बाद शुरू होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर औद्योगिकरण की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। पिछले कोरोना काल में मैं नौजवान रोजगार करने वाला बेरोजगार हो गया, कुछ कोरोना की महामारी रही, कुछ बेरोजगारी रही, लोगों ने उत्पादन शक्ति घटा दी। हमारे यहाँ टोटी की फैक्ट्रियाँ हैं, निवार डोरी की फैक्ट्रियाँ हैं, बेबी मशीनें हैं, जितने भी कारोबार थे प्राय बंद रहे, तो उसकी वजह से काफ़ी घाटा हुआ है। तो उस घाटे की पूर्ति के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ कोई ऐसा उद्योग लगना चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि, अब तो केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और प्रांत में भी उन्हीं की सरकार, डबल इंजन है, तो डबल इंजन से मथुरा को लाभ तो मिलना चाहिए। कितना यहाँ पर्यटक धार्मिक श्रद्धालु आता है, कोकलावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, वृंदावन में, लाखों आदमी आता है, लेकिन उसको यहाँ इस तरह का कोई रोजगार दिखाई नहीं देता जिससे कि यहाँ की आमदनी का जरिया बढ़े, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो, नौजवानों को रोजगार मिले। तो ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है हमारे इस क्षेत्र में और छाता चूंकि प्रगतिशील क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जनप्रतिनिधि को सौभाग्य मिला और एकमात्र अब तो मंत्री हैं वो, तो इसलिए जिम्मेदारी उनकी और बढ़ गई है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराया जाए। तो यही मेरा आज आप लोगों के माध्यम से, और हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर उनसे मिलेंगे भी, अभी तो वो छोड़े अभी बने हफ्ता 10 दिन हुआ है, तो उनकी प्राथमिकताएं अभी थोड़ी ऑफिस वॉफिस की होंगी देखने की, नया कारभार ग्रहण किया उन्होंने और यहाँ की वो भली भांति भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी उस कार्य को करें, तो वो उनके कार्यकाल में जो बंद हुई थी मिल, वो कलंक भी उनसे दूर होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है कि आपकी बात और हमारी बात तक उन तक पहुंचेगी और इस पर क्रियान्वयन होगा। धन्यवाद।